क्या सांप और अजगर 12 महीने जीव जंतुओं का शिकार कर जिंदा रहते होंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह सही नहीं है। हाइबरनेशन परेड में यह वर्ग शिकार नहीं करता है, लेकिन कभी कभार बाहर जरूर निकल आता है। कोरबा में कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया, जहां रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। सर्पों के बारे में आम लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिनका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। कोरबा में विद्युत मंडल कॉलोनी में निवासरत कार्यपालन निदेशक बीडी बघेल के सरकारी आवास पर कर्मचारियों ने काफी लंबे सर्प को विचरण करते देखा और उसे भगाने की कोशिश की। इसके कोई नतीजे सामने तो नहीं आए, उल्टे जहरीला जीव फन उठाकर खड़ा हो गया। इस नजारे को देखकर वहां के लोग काफी भयभीत हो गए। यहाँ एक इवनिंग में सांप, मैं टहल रहा था, उसी टाइम एक बड़ा सा सांप निकला, मैं देखा, मैं पहचानता नहीं था कौन सा सांप है, लेकिन रेस्क्यू टीम को बुलवाया अपने स्टाफ के द्वारा और उसका रेस्क्यू किया गया है। मामला अपने बस का नहीं होता देख इन लोगों ने रेस्क्यू टीम के प्रमुख को जानकारी दी और सहायता की गुहार लगाई। कुछ देर के बाद यहां आवश्यक काम किया गया और स्पेकुलेटेड कोबरा को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी ने बताया कि हाइबरनेशन पीरियड में जहरीले जीव जंतु सामान्य तौर पर बिल में रहते हैं, फिर भी कभी कभार इनकी उपस्थिति मैदानी क्षेत्र में हो जाती है। लोगों से कहा जा रहा है कि विषैले जीव जंतु नजर आने पर उन्हें मारे नहीं, हमें सूचित करें। अमूमन इस समय सांप नहीं निकलते हैं, क्योंकि इस समय ठंड के समय उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है और इस समय वो बिलों पे ही रह के लंबे टाइम तक रहते हैं। और लेकिन ये उनको ऐसा लगा कि इसे नॉर्मल सांप है, इसलिए बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे थे, बट जब वो फन निकाला तो उनको समझ में आया कि ये जहरीला सांप है। तो हम वहाँ पहुंचे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। साथ ही साथ मैं आमजनों से यही निवेदन करूंगा कि जब भी इस तरीके से सांप अगर दिखता हो तो आप उनको मारे नहीं, तत्काल हमारे रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करें। कोरबा जिले में अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं की मौजूदगी बनी हुई है और इसके प्रमाण समय समय पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे जीव जंतुओं का संरक्षण सरकारी कोशिशों के साथ साथ आम लोगों की मेहनत से भी हो सकेगा। ग्रैंडेसिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।